डॉक्टर नुमान गफ़ार साहब हमारे इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा एसेट हैं। आज मैं डॉक्टर नुमान गफ़ार साहब के बारे में कोई फेयरवेल नोट देना चाहूँगा। और हमारी बड़ी यादें हैं इकट्ठी, हमने इकट्ठे यहाँ पे फंक्शंस अटेंड किए हैं। डॉक्टर नुमान ये वो नाम है जो मेरे दोस्तों में तकरीबन फर्स्ट में ही आता है। हमारे भाई नुमान साहब, डॉक्टर नुमान, वो हमें सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल से छोड़ के जा रहे हैं। I found him very dedicated and cooperative in my little span of time. माशाल्लाह, डॉक्टर नुमान साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा और काबिले तारीफ वक्त गुजरा। अलविदा, गुड बाय, खुदा हाफिज़, ये वो अल्फाज हैं जो अगर किसी जगह को मुस्तकिल तौर पर छोड़कर जाते वक्त कहें तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुमान गफ़ार साहब ने हमें 2021 में ज्वाइन किया था। डॉक्टर नुमान गफ़ार साहब हमारे इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा एसेट हैं। जब इन्होंने सेंट्रल पार्क को ज्वाइन किया तो उस वक्त सेंट्रल पार्क जो है इतना फेमस नहीं था, जो मेरी इनके बारे में ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एक तो हम शहर से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जाना और ऐसी जगह को छोड़कर जाना जहां पर आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर का बेहतरीन वक्त गुजारा हो, बहुत मुश्किल होता है। आज सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में मुझे 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। तो हमारे बहुत अच्छे कुलीग हैं, भाई हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको अच्छी सेहत दे। हमारा सफ़र कुछ इस तरह से रहा है कि 2010 में हम लोग पता नहीं वो किधर से ओकाड़ा से पहुँचे, मैं किधर से डीजी खान से, अल्लाह पाक ने हमें मिलाया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा, एक दूसरे के साथ भाइयों वाला रिलेशन था, हर लिहाज से चीज़ें बेहतरीन थी। तो वहाँ से हमने ग्रेजुएशन की। मेरे कुलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे टीचर भी हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि फील्ड के लिहाज से, आउट ऑफ द फील्ड बहुत सारी स्किल्स, जैसे कि यूट्यूब स्किल्स हो गई, सोशल मीडिया की स्किल्स हो गई, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, मेरा साथ यहाँ पे उनके साथ शुरू हुआ 2021 में अक्टूबर से, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ये मुझसे पहले से यहाँ थे और मैंने पहली बार उन्हें यहाँ देखा तो मुझे उनके साथ बात करने का मतलब टाइम मिला। मैंने और नुमान ने एक ही डेट को सेंट्रल पर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। इस वक्त के दौरान सर आरिफ, सर कासिम, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर इदरीस, डॉक्टर वलीद, डॉक्टर जवाद, डॉक्टर फसी, डॉक्टर असद, डॉक्टर महबूब और दूसरे बहुत से भाई, इनके साथ बेहतरीन वक्त गुजरा। और मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने घर वालों से भी ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और अगर ऐसी जगह पर आपके साथ मुखलिस दोस्त मिल जाएं, आपको आपको भाइयों से ज़्यादा चाहने वाले दोस्त मिल जाएं, अहबाब मिल जाएं, तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जब नुमान गफ़ार साहब ने हमें ज्वाइन किया तो इन्होंने अपनी खूबसूरत वीडियोस के ज़रिए, अपने यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए और डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स और यहाँ पे टीवी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके हमारे सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज को काफ़ी प्रमोट किया है। और फिर जो दोस्ती है वो तो अलग चीज़ है, मतलब हमने एक दूसरे के साथ बहुत से लम्हात शेयर किए, जो ऐसी बातें जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते वो भी शेयर की, डिस्कशंस हुई, बहुत से फ़ैसले जिनमें हमें एक मुखलिस दोस्त की ज़रूरत होती है तो उसमें थे। ग्रेजुएशन के बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें थी, वो एक और जगह पे थे, मैं किसी डिफरेंट प्लेस पे था। फिर अल्लाह पाक ने फिर जौन सा है ना हमें मिला दिया, अचानक ही चीज़ें जौन सा है ना, हम कुलीग बन गए। तो इससे पहले मैं ये उन्हें बता चुका हूँ कि मैं इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू जानता था और मुझे ये था कि ये मेरे बहुत सीनियर है। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि यार अच्छा, ये तो अपने बेटी भाई हैं। तो फिर ये है कि बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मैंने कभी भी इनके मुंह से कोई गलत बात नहीं सुनी। आई एम डॉक्टर आयशा तारिक। आई हैव रिसेंटली जॉइन सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज एंड आई मेट डॉक्टर नुमान हियर एंड आई फाउंड हिम वेरी डेडिकेटेड एंड कोऑपरेटिव इन माई लिटिल स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ पर मैं समझता हूँ
कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे इन दोस्तों का साथ मिला, जहां पर हमने कॉलेज के हॉस्पिटल के मामलात और इसके साथ साथ इंतज़ामिया के मुख्तलिफ उमूर, कॉलेज की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, हमारा ट्रिप हो, हमारी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, या इन सब के साथ और इन सब से बढ़ कर जो हमारी दावत ताम की मीटिंग्स रहीं, हमने मिलजुल कर बहुत से एक दूसरों को खाने खिलाए, और असल मकसद हमारा यही था कि हम मिल बैठते थे, हमारी गपशप होती थी और उससे हमारी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, हमारी ग्रोथ रही। और इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि एक वर्क प्लेस पे बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहा। तो मैं अपने इन तमाम दोस्तों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि मैंने इनके साथ अपने प्रोफेशनल कैरियर का बेहतरीन वक्त गुजारा। जहाँ तक इनके टीचर होने की बात है तो ही इज़ वेरी फेमस टीचर, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें बहुत लाइक करते हैं और इनके जाने पे बहुत ज़्यादा जो वो सैड भी हैं। और इन सबसे बढ़ के जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारा असल काम था, जिनको पढ़ाना होता है, तो मेरी कोशिश रही कि उनकी तालीम के साथ साथ जहाँ तक हो सके उनकी तरबियत का भी ख्याल रखा जाए। उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो मैं अपना मैक्सिमम एफ़र्ट कर सकता था, जो मैं अपना मैक्सिमम पुट कर सकता था, अपनी मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और मुझे इस बात का अल्लाह ताला की अदालत में इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुमान है कि मेरी ये इबादत कबूल होगी। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है नुमान की, बड़ी याद आएगी जाने के बाद, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट टीचर भी है और बच्चे भी बेचारे इसको देख के काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसे दोस्त को अलविदा तो नहीं कहा जाता, लेकिन बेस्ट विशेज़ ज़रूर दी जाती हैं, क्योंकि दोस्त नहीं छूटते चाहे जगह चेंज हो जाएँ, फासले बढ़ जाएँ। माशाल्लाह पिछले 3-4 साल से हम कुलीग भी रहे हैं, तो बहुत इंजॉय किया है चीज़ों को एक साथ, सब कुछ चीज़ें मतलब पता ही नहीं होता था किस तरह से कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं। तो कभी हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली हो या कुछ इस तरह से करके हो, और किसी के ख़िलाफ़ भी बात नहीं सुनी, ये भी बड़ी बात है। और मतलब बहुत बर्दाश्त है, हमें भी बहुत बर्दाश्त किया, हमने इनको तंग किया यहाँ पे काफ़ी, और मतलब शुगल मेले के तौर पर ऐसे पर्सनली नहीं। और इसमें यह है कि इन्होंने हमें बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब ये छोड़ के जा रहे हैं, दिल नहीं कर रहा कि ऐसे इंसान के साथ उसका साथ जो है छूट जाए। इंशाल्लाह आगे भी हम रहेंगे, अब एक बार दोस्ती हो गई है और रिलेशन एक डेवलप हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे मिलते रहेंगे किसी ना किसी फोरम के थ्रू, और हो सकता है फिर कहीं हमारी ज्वाइनिंग हो जाए एक ही इंस्टीट्यूट में। और हमारी बड़ी यादें हैं इकट्ठी, हमने इकट्ठे यहाँ पे फंक्शंस अटेंड किए हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, और बाद कई जो चीज़ें थी जिस तरह कुछ स्ट्राइक्स थी फिज़िकल थेरेपी की, उसमें हमने हिस्सा लिया, यहाँ पे जितने फंक्शंस थे उसको परफॉर्म किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है कि हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन दिलों के फासले जो हैं वो ठीक वैसे ही रहते हैं। तो अब हम इनको बेस्ट विशेस ही देंगे, अलविदा नहीं कहेंगे। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी भी हो रही है अब उनके यहाँ से जाने की, साथ साथ जोन सेना इस तरह की मायूसी भी है कि बंदा इस तरह का भाई, इस तरह का दोस्त जोन सेना चीज़ें अब साफ ज़रे बड़ी मुश्किल से मिलती होती हैं, इस तरह की चीज़ें अब नसीब में होगा या ज़िंदगी होगी तो फिर शायद अल्लाह पाक कभी मौका बना दे इस तरह का। अब इसमें यह है कि मेरे लिए बहुत, मैं इनके लिए बहुत दुआगो हूँ, अब ये नए इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, यकीनन वहाँ पर भी ये इसी तरह ही अपनी काविशों को जारी रखेंगे, और जिस तरह यहाँ पर हमें मोटिवेट करते रहे वहाँ की भी फैकल्टी को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो ऐसे हमारे मेंबर हैं, दोस्त हैं, कि जिनसे हम मुलाकात तो करते रहेंगे लेकिन एज ए कोलीग जो है वो फ़िलहाल के लिए हमारे साथ नहीं होंगे। बेस्ट विशेस टू यू डॉक्टर नुमान, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्कियां दे, आपकी जो एक हेल्पिंग
है कि हर किसी की हेल्प करते हैं, आपकी जो फितरत में ये चीज़ है कि किसी की अगर नेगेटिव चीज़ भी है तो उसको आप पॉजिटिव ही फील करते हैं, ये बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दें। जज़ाकअल्लाह। और क्या कहते हैं, जिस तरह हमें दर्श देते रहे मोटिवेशन में कि यार आओ इधर सोशल मीडिया की तरफ और इस तरफ आप भी आओ, आप भी बोल सकते हो, आप भी कैमरे को फेस कर सकते हो और बैक एंड से फ्रंट पे आओ, कैमरे के आगे आओ, लाइक मैं कैमरे को बहुत शाय हूँ बट आज फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और ये इनकी चीज़ें हैं जो इन्होंने मेरे अंदर देखी थी और मुझे एड्रेस की कि आप ये करो और मैं तो इन्हें मिस करूँगा सही मानों में। और वैसे भी बहुत शफीक इंसान है, बहुत अच्छे से अदब से बात करते रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है बीइंग प्रिंसिपल, तो मैंने तो डॉक्टर नुमान गफ़ार साहब को पूरी कोशिश की है इनको इंगेज करने की, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न जो है नुमान गफ़ार साहब जो है ना हमें छोड़ कर कहीं और जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह ही कामरानी और सरफराजी अता करे। आमीन। और थैंक यू सो मच। तो जो है ना अब वो यहाँ से जो है ना छोड़ के जा रहे हैं, जिससे जो है ना हमारे दिल को तकलीफ़ पहुँच रही है। बहरहाल अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे इंशाल्लाह। जहाँ पे भी जा रहे हैं आगे मज़ीद इनको जो उनसा है ना एक्सेल करने का मौका मिले, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हमारी दुआएँ इनके साथ हैं, जहाँ पे भी रहें खुश रहें। तो डॉक्टर साहब विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप हमेशा जो है ना हमारे दिल में रहेंगे और सेंट्रल पार्क कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। जब भी आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको वेलकम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। आई विश हिम ऑल द बेस्ट लक। थैंक यू। लेकिन हम एक अच्छी उम्मीद के साथ इसको भेज रहे हैं कि ये अरिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ भी अपनी जो सर्विसेज हैं उनको अंजाम दें और इनके लिए हमारे लिए नेक तमन्नाएं हैं इनके लिए। अल्लाह पाक इनको कामयाबी से अगले सफ़र में कामयाब करे। और मैं अब आज अपने इस 3 साल के सफ़र को यहाँ पर मुकम्मल कर रहा हूँ। ये जगह, ये दोस्त, ये एनवायरनमेंट हमेशा मैं मिस करूँगा। ये जगह मेरे दिल में रहेगी। और आप सब भी हमारे लिए दुआ करिएगा कि हम आइंदा भी जो जहाँ पे भी हो वो इसी तरह खुशबाश रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा आगे आने वाला सफ़र भी इसी तरह बेहतरीन हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।